الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين سورة البقرة کا شروع کا تھوڑا سا ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے इसमें एक आयत तो अलिफ लाम मीम पर मुश्तमिल है और फिर दूसरी आयत शुरू हो रही है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल्लिल मुत्तकीन। इस आयत में अल्लाह ताला ने इस किताब का तारुफ कराया कि यह किताब, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु मुरक्कब इशारी हम पढ़ चुके हैं तो पूरा जुमला नहीं है, मुरक्कब इशारी मुरक्कब नाकिस होता है और किताब की अजमत की वजह से करीब की बजाय दूर का इशारा इस्तेमाल किया गया। ज़ालिकल किताबु तर्जुमा हम कर रहे हैं ये किताब, मुरक्कब इशारी मुफ्ता बन रहा है। आगे खबर जो आ रही है वो है ला रैब फीही, यानी खबर की जगह पर अल्लाह ताला एक जुमला लेके आ रहे हैं और वो जुमला मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं। जुमला है जी ला रैब फीही। ज़ालिकल किताबु हम पढ़ चुके हैं मुरक्कब इशारी और फीही भी हम पढ़ चुके हैं मुरक्कब जारी। फीही का मतलब है इसमें। अब रह गया जी ला रैबा, तो हमारा आज का टॉपिक ला रैबा से मुतालिक है और आपको अंदाजा होगा कि ये वाला ला पढ़ने के बाद आप ये नतीजा निकालेंगे कि कुरान मजीद का तर्जुमा जो है वो किसी जुबान में करना बहुत मुश्किल है। कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको कोई ला नजर आए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ला, कुरान पढ़ रहे हैं आप, आपको ला नजर आता है और ला के बाद होता है इस्म, इसका मतलब है ला के बाद फेल भी आ सकता है। ला के बाद आपको कोई इस्म नजर आए, रईब एक इस्म है इसके माना शक्के हैं, तो रईब एक इस्म है जिसके माना शक्के हैं, तो कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको ला के बाद कोई इस्म नजर आए और वो इस्म जो है तीन कंडीशंस के साथ हो, तीन शरायत के साथ हो। नंबर एक, वो नकरा हो, रईब नकरा है ना, मारफा नहीं है ना, क्योंकि मारफा की जो आप छह किस्में पढ़ चुके हैं उसमें नहीं आता है, नकरा है। ओके, दूसरी कंडीशन ये है के उस पर तनवीन भी ना हो, तो रई पे तनवीन है, तनवीन भी नहीं है। तीसरी शर्त, तीसरी शर्त यह है कि हो भी मंसूब, तो मंसूब है ना, तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। रईब का लफ्ज मैंने कहा नकरा है, अगर ये मारफा होता तो क्या होता, अर रईब, माशाल्लाह। अगर इसमें तनवीन होती तो ये क्या होता, रईबन, रईबन होता, सिंगल ज़बर नजर आ रही है ना, तनवीन का मतलब होता है डबल हरकत, आप सिंगल को डबल कर दें रईबन, और जब भी दो ज़बर लिखते हैं कलिफ भी लिख देते हैं साथ, ठीक है, तो बगैर तनवीन क्या है और मनसूब है, ठीक है, रईबा मनसूब है तो मरफू क्या होगा, रईबू, मजरूर क्या होगा, रईबी। तो जब भी कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको कोई ला नजर आता है और ला के बाद इस्म होता है और इस्म इन तीन कंडीशंस के साथ लिखा हुआ होता है, तो नोट कर लीजिएगा कि वो ला जो है अरबी ग्रामर में लाए नफी जिन्स कहलाता है। ऐसा ला जो अपने से बाद में आने वाले इस्म की टोटल जिन्स की नफी कर देता है, जिन्स क्लास को कहते हैं ना, क्लास की नफी होगी। क्लास की नफी का क्या मतलब है, मतलब यह है रईब के माना मैंने कहे हैं शक, तो शक की कोई भी शक्ल, कोई भी किस्म टोटली नफी होगी उसकी कुरान में से।
तो मुझे बताइए आप ला रईबा फीही का तर्जुमा अब उर्दू में कर सकते हैं? क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको इसमें? कोई शक नहीं, वो मफहूम ही नहीं पैदा हो रहा, कोई शक नहीं। आप इसको समझेंगे कि ये लाए नफी जिन्स है, इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम है कि इसमें शक नाम की चीज नहीं है। कोई कहता है ना ला रही बफी का तर्जुमा शक नाम की चीज नहीं है, आप उसे कहें जी नाम भी कहां है इसमें, इसमें तो है ही नहीं, इसमें चीज के लिए शही का लफ्ज भी नहीं है। अब ये मफहूम मैं क्यों अदा कर रहा हूं लाए नफी जिन्स के हवाले से कि जालिकल किताबू ला रही बफी ही, इस किताब में शक नाम की चीज नहीं है, इसमें शक हो ही नहीं सकता, ना तो इसके मुनज्जल मिन अल्लाह ताला होने में कोई शक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल करता है, और ना ही इसके मजामीन में किसी किस्म का शक है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। अब ये एक्सप्रेशन है ना, अब बिल्कुल पे जो मैं जोर लगा रहा हूं ये आपको लिखा हुआ मिलेगा जोर कहीं? लिहाजा शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ हो कि अरबी ग्रामर की कितनी अहमियत है। आप तर्जुमा नहीं कर सकते ला रईबा फीही, अब लाए नफी जिन्स आ गया तो जिस तरह इन्ना आया था तो इन्ना ने अपनी खबर बना लिया था किसी को, मां आया तो मां ने भी अपना इस्म बना लिया, अपनी खबर बना लिया किसी को, जब ये लाए नफी जिन्स आया तो इसने भी अपना इस्म और अपनी खबर बना लिया, ठीक है। तो यहां पर जो रईबा है इसको हम कहेंगे ये ला का इस्म है, और खबर की जगह पर आपको पता है मुरक्कबे जारी आ सकता है ना, हमने पढ़ा हुआ है, तो फी ही जो है ये ला की खबर हो गया, और ये भी जुमला इस्मिया ही बनता है कि ला लाए नफी जिन्स अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। क्लियर? तो ये था जी कंसेप्ट लाए नफी जिन्स का। अब देखे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं कि हमारा जो कलिमा है, हमारा कलिमा क्या है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला के बाद जो इस्म आ रहा है इलाह, जिसके माना माबूद के होते हैं, तीनों कंडीशंस के साथ है ना। अरब को पता था कि ला नफी जिन्स है, लिहाजा वो कलिमा पढ़ने से पहले सोचता था, ऐसी है ना। इसलिए आप देखेंगे कि आपको मक्का में या तो मोमिन नजर आते हैं या काफिर, दो तरह की कैटेगरीज मिलेंगी आपको, या मोमिन होगा या काफिर होगा, दरमियानी कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि ला नफी जिन्स का मतलब क्या है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो बस खत्म, फिर ये जो हमने इतने माबूद बनाए हुए हैं, किसी ने नफ्स को माबूद बनाया हुआ है, किसी ने किसी चीज को माबूद बनाया हुआ है, कोई किसी की पूजा में लगा हुआ है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, वो सारों की नफी करनी पड़ेगी ना, इसलिए वो सोच के कलिमा पढ़ते थे। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बिल्ट इन मिल गया, ठीक है, लेकिन बात वही है कि अब इसको पक्का करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। इस तरह आप ला हौला वाला कुवता पढ़ते हैं तो ला के बाद हौला, वो भी इसी कंडीशन के साथ है। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार जिक्र फरमाए हैं कि ये अज़कार किया करो, हम और हर तरह का जिक्र कर लेंगे लेकिन आपके बताए हुए अज़कार इल्ला माशाल्लाह नहीं करेंगे। एक जिक्र आपने खास तौर पर फरमाया कि यह जरूर कहा करो, अल्लाहुमा ला मानिया लिमा आतैता। माने किसे कहते हैं? रोकने वाला। तो ला मानिया का मतलब समझ में आ रहा है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। लिमा आतैता, उसके लिए जिसे तू ही देने का फैसला करते है, जिसे तू देने का फैसला करते उसे कोई रोक सकता है? ला मानिया, रोक ही नहीं सकता। वला मोतिया, मोतिया किसे कहेंगे? अता करने वाला।
और कोई अता करने वाला है ही नहीं, लिमा मनाता जिसे तू ही रोक दे, जिसके लिए तू रोक दे उसे कोई दे सकता है नहीं। यह ईमान पक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की है लोगों की कि यह जिक्र नमाज के बाद हर फर्ज नमाज के बाद लाजमी किया करो कि अल्लाहुम्मा ला माने अलिमा अतैता वला मोते अलिमा मनाता वला यंफाउजल जद्द मिनकल जद्द। जिसके लिए अल्लाह फैसला कर ले कि इसे देना ही देना है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और जिसके लिए अल्लाह फैसला कर ले कि इसे नहीं देना तो सारी दुनिया मिलके उसे देने के लिए आ जाए, उसे नहीं दिया जा सकता। तो रिजल्ट क्या निकला अली? रिजल्ट ये निकला कि फिर किससे मांगना है? अल्लाह से। अल्लाह से मांगे ना, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें नमक भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो, तुम्हारे जूते का तस्मा टूट गया है तुम्हें उसकी जरूरत है तो अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह ने आपको जूते का तस्मा या नमक देना है जी? आपकी जेब में पैसे हैं, आप पैसे निकालेंगे जाके तस्मा और नमक ले आएंगे, क्या मतलब? अल्लाह को ना भूलो, अल्लाह को हर काम में इन्वॉल्व करो। आप देख रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को निकालते जा रहे हैं हर काम से। अल्लाह कहाँ है? जो जो तरक्की करते जा रहे हैं, तालीम, टेक्नोलॉजी, इल्म, अल्लाह माइनस होता जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था क्यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इस जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला एक शख्स भी मौजूद होगा। मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे होगा, एक शख्स भी इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा अल्लाह का नाम लेने वाला। तो यकीन करें समझ में आने लगी है। कैसे? देखें जी, बारिश नहीं हो रही ना, बारिश नहीं हो रही, जरूरत है ना बारिश की, अल्लाह से मांगी, क्या किया? मोबाइल निकाला, फोरकास्ट देखी, अगले हफ्ते बारिश नहीं है, मोबाइल वापस बंद करके रख लिया। अल्लाह कहाँ है? कहाँ है अल्लाह? किसान पहले जमाने में खेत में हल चलाता था, बीज डालता था, उसके बाद किसान और उसके सारे घर वाले बैठ के अल्लाह से दुआ करते थे ना, या अल्लाह बारिश भेज दे, बारिश भेज, बारिश भेज दे, ऐसे ही ना। आज का किसान क्या करता है? हल चलाता है, बीज डालता है, और फिर क्या करता है? फोरकास्ट नहीं, किसान क्या करता है? ट्यूबवेल का बटन ऑन करता है। अल्लाह का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर के बारे में आता है कि एक मरतबा शिकार पर गए, सख्त गर्मी, दोपहर का वक्त, देखा एक नौजवान जो है वो बकरियां चला रहा है। खाना खाने के लिए बैठे तो उसे भी दावत दे दिया, यार खाना खा लो चलो। उसने कहा जी इन्नी साइम, मैंने रोजा रखा हुआ है। तो नफरी रोजा रखा होगा उसने, बड़े मुतासिर हुए उसके थकवे से कि एक चरवाहा इतनी गर्मी में रोजे के साथ बकरियां चला रहा है। उसे और टेस्ट करने का शौक पैदा हुआ, पूछा अभी बकरियां तुम्हारी हैं? उसने कहा नहीं जी मेरी नहीं है, मालिक की उजरत पे चराता हूं। कहने लगे अच्छा एक बकरी हमें फरोख्त कर दो। कहने लगा माजरत मेरी नहीं है, मालिक की है, मालिक की इजाजत के बगैर मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहने लगे मालिक को क्या पता चलना है, अव्वल तो उसने गिननी नहीं है, इतनी बकरियां कौन गिनेगा, अगर गिन भी ली उसने, पूछा एक किधर है तो कह देना जी पता नहीं इधर उधर कहीं हो गई या भेड़िया खा गया। कहते हैं चरवाहे ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा फ़ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ गया, और चला गया। अब्दुल्ला बिन अम्र आसमान की तरफ उसके जाने के बाद देखते रहे और जुबान से यही कहते रहे कि फ़ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है जी।
देखिए, एक होता है शऊर। जब हम क्लास के लिए आते हैं ना रास्ते में, तो आप गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो शऊर के साथ नहीं होता, एक ऑटोमेटिकली फीड हुआ होता है। आप बातें भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं ना, ऐसी है ना। जो मर्जी ख्याल जहन में आ जाए, कभी आप भटके नहीं, वो फीड हुआ हुआ है। हमारी नमाजें भी फीड हो गई हैं। अल्लाह अकबर कह के हम सुभानक अल्लाह से शुरू होते हैं, यकीन करें कहीं नहीं अटकते। सही है, आंख खुलती है अस्सलाम वालेकुम पे, कहीं बीच में अड़े कहीं नहीं अड़े, फीड है। तो बिस्मिल्लाह भी फीड है। किसी की नियत में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको जनरल बात कर रहा हूं कि आपको समझ आएगा कि वाकई अल्लाह को हम निकालते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारा सारा भरोसा, हमारा सारा एतमाद किस पे है? असबाब पे। आपको पता है कि मेरी जेब में पैसे हैं, मेरे पास बेहतरीन गाड़ी है, ठीक है, तो मैं कल सुबह लाहौर जा सकता हूं, ऐसे है ना? नहीं जा सकते आप, अगर अल्लाह ना चाहे। आपका दिल कर रहा कोई चीज खाने को, बर्गर खाने को, बिरयानी खाने को, कुछ भी कर रहा, आप जाए पैसे लें, ठीक है, अल्लाह को शामिल कर लें यार इसमें, ये अल्लाह दिल कर रहा है बर्गर खाने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ इस्तखारा सिखाई, कभी आपने गौर किया? हम तो इस्तखारा भी दूसरों से करवाते हैं यार, हैरत की बात है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तकदिरुका बिकुदरतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। अल्लाह, मैं तुझसे मशवरा करता हूं खैर के हवाले से, तू कुदरत रखता है इसलिए, तू जानने वाला है, मैं नहीं जानता। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालमुन हादल अमरा खैरुल्ली फी दीनी व माशी व आकिबति अमरी फकदुर हुली व यस्सिर हुली सुम्मा बारिक ली फी। अल्लाह, अगर तेरे इल्म के मुताबिक ये काम मेरे लिए दुनियावी माशी आखरत के द्वार से अच्छा है, तो इसे मेरे मुकद्दर में कर दे, इसे आसान कर दे, फिर इसमें बरकत फरमा। वन कुंता तालम अन्ना हाज़ल अमरा शर्रुल्ली फी दीनी व माशी व आकिबति अमरी फसरिफु अन्नी, अगर अच्छा नहीं है तो दूर कर दे इसे, वसरिफनी अन, मुझे इसे दूर कर दे, इसे मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर दे, फिर खैर वाला काम मेरे मुकद्दर में कर दे और फिर मुझे उस पर राजी भी कर दे। यह दुआ इस्तखारा का मफहूम। हमने तो इस्तखारा भी मौलवियों पर छोड़ा हुआ है, इस्तखारा करते हैं प्लीज मेरे लिए। अल्लाह से कोई ताल्लुक ही नहीं है यार, अल्लाह से गपशप करें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से मशवरा करें, अल्लाह से दोस्ती करें। अल्लाह का जब एक भी नाम लेवा इस दुनिया में नहीं होगा, और नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, इसी को आप आगे जाए ना, अभी आगे पता नहीं क्या कुछ होना है सर, टेक्नोलॉजी ने कहां तक जाना है। अभी तो आप बारिश के लिए देखते हैं, एक वक्त आएगा आप बारिश के लिए बटन दबाएंगे बारिश हो जाएगी, अभी भी हो रही है ना, फिर तो हर एक के हाथ में होगी बारिश, बारिश का फीलिंग लेनी है उसने, मौसम एंजॉय करना है, बारिश का बटन दबाएगा बारिश हो जाएगी। फाइन अल्लाह, अल्लाह कहां गया? अल्लाह को याद रखें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने साथ एक ताल्लुक बनाने की तौफीक दे।